दम दिखाते हैं। आई सर 485 का, और एक कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा भाई। पहले एक मिस्टेक हो गई थी एक वीडियो में, उसका जवाब मैं आपको दूंगा भाई। ये जो आइसर 485 ट्रैक्टर है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में सिम्पसन का इंजन बता दिया था। इसमें सिम्पसन का इंजन नहीं होता, इसमें आइसर का ही रिकॉर्ड इंजन होता है, जो 48 HP का RC में दिखाया गया है, लेकिन कैटेगरी वो 50 HP की ही बोली जाएगी। तो इसमें बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि 48 HP है, 45 HP है, तो RC में जो दिया गया है वो 48 HP है, और कैटेगरी में आता है ये 50 HP की, 45 में नहीं आता ये ट्रैक्टर। तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और भाई मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक से जैसे आइसर 380 में सिम्पसन कंपनी का इंजन हो गया, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें भी सिम्पसन का ही बता दिया था 45 का इंजन, लेकिन इसमें सिम्पसन कंपनी का इंजन नहीं होता, इसमें आइसर का ही रिकॉर्ड इंजन है, जो 48 HP का RC में बताया गया है। तो भाइयों, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है बताते टाइम कई बार, कोई बात नहीं। तो अब आपने समझ में आ ही गया होगा, इसमें सिम्पसन का इंजन नहीं है। ट्रैक्टर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा दम लगाता है ट्रैक्टर। ये देखो एयर कूल्ड इंजन है इसमें, और आइसर का ही रिकॉर्ड इंजन है, जो इंडिया का पहला एयर कूल्ड इंजन है, और 48 HP है। तो भाइयों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई मिस्टेक हो गई तो उसे मैंने दोबारा सुधार किया है। धन्यवाद दोस्त।